नमस्कार। आज हम मंगल की राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन मिथुन राशि में हो रही है। मंगल मेष लग्न में तृतीय भाव में गोचर करेंगे। जातक मेहनत ज्यादा करेंगे, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और ऊर्जावान भी रहेंगे। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। चूंकि मंगल लग्नेश हैं तो अष्टमेश होकर तीसरा भाव में बैठे हैं। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकता है। ऑनलाइन मार्केटिंग डॉक्यूमेंट संबंधी समस्या हल होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल रहेगा। छोटे और बड़े भाई बहनों से रिलेशन सुधरेंगे। वैवाहिक रिश्तों में तालमेल बनाकर रहें। वृष राशि। मंगल वृष राशि में सप्तम भाव और 12वें भाव को रूल करते हैं। धन भाव में गोचर करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो करियर में भी अच्छा तरक्की का अवसर मिलेंगे। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दूसरे देश से काम कर रहे हैं उनके लिए लाभ होगा। वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा, भाग्य प्रबल होगा, पारिवारिक जीवन खुशहाली आएगी। व्यापार से अच्छे खासे धन अर्जित कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा रिटर्न मिलेगा। जीवन साथी के आने से खर्च बढ़ेगा और धन भी आएगा। मिथुन राशि के जातक में मंगल लाभ भाव और छठा भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि के जातक प्रथम भाव में बैठे हैं। इसका रिजल्ट चर्चा करते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगी, ऊर्जावान रहेंगे, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिल सकता है। आर्थिक स्थिति नियंत्रण रहेगी। सोच समझ कर खर्च करें, धैर्य बनाकर वैवाहिक जीवन सुंदर होगा। सुंदर कांठ का पाठ पढ़ें। कर्क राशि। इस गोचर में मंगल पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर करेंगे। मंगल की प्रतिकूल स्थितियां माना जा सकता है। मंगल की राशि परिवर्तन की वजह से कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति बन सकती है। आपका ट्रांसफर ऐसी सी जगह हो सकता है जहां आपको मन ना हो। कमजोर और थकान फील होगा। पार्टनर से अच्छा संबंध होगा, अच्छा तालमेल जमेगी। संतान के लिए अच्छा समय है। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। सिंह राशि। सिंह राशि में मंगल नवम भाव और शुक्र भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ है। आपको भाई बहनों और मामा से सहयोग मिलेगा। आपके खर्चे बढ़ेंगे। माता पिता का विशेष योगदान होगा। कस्टमर का और का पैसा आपके पास आ सकता है। माता पिता से लाभ होगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मिला जुला समय है। कानूनी मामलों में जीत हो सकती है। माता पिता और जीवन साथी से वाद विवाद होने की संभावना है। हनुमान भगवान का पूजा करें। कन्या राशि। कन्या राशि में मंगल तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर दशम भाव से गोचर करेंगे। इस गोचर बहुत ही शुभ स्थिति बन रही है। मंगल दशम भाव में दिग्बल प्राप्त करते हैं। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन हो सकता है। बॉस के साथ अच्छी जमेगी। व्यापार का विस्तार होगा। सुख में वृद्धि होगी। संतान से वाद विवाद हो सकता है। थोड़ा संतान से परहेज रखें, वाद विवाद को सलटाएं। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। उपाय चंद्रदेव का पूजा करें। तुला राशि। तुला राशि में जातक सप्तम भाव और धन भाव के स्वामी भाग भाव में बैठे हैं। भाग प्रबल होगा, सुख समृद्धि आएगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, शत्रुओं पर विजय होगी। लोग व्यापार से धन अर्जित कर सकेंगे। सुख सुविधा बढ़ेगी। भूमि रिलेटेड संपत्ति खरीदने का अच्छा समय है। माता से बनेगी। घर का वातावरण में धार्मिक काम होंगे। जीवन साथी के रिश्तों में बहुत बढ़िया तालमेल जमेगी। वृश्चिक राशि में मंगल छठे भाव और 8वें भाव से गोचर करेंगे। मंगल असंगति भाव से गोचर करेंगे। यहाँ पर मंगल थोड़ा अच्छे रिजल्ट नहीं देते। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी। आकस्मिक बाजार, सट्टा बाजार, शेयर बाजार में अच्छा धन कमा पाएंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पारिवारिक सपोर्ट मिल सकता है। शत्रुओं पर विजय होगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर या बड़ा भाई योगदान होगा। जीवन साथी से मधुर संबंध रहेंगे। धनु राशि में मंगल पंचम भाव
और व्यय भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव से गोचर करेंगे। संतान से संबंध सुंदर रहेगी, काम धंधा में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य निम्नतम रहेगा। रिश्तों नाते के दृष्टि से देखा जाए तो वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। जीवन साथी से मधुर संबंध रहेंगे। मकर राशि में मंगल सुख भाव और लाभ भाव से गोचर करेंगे। सुख बढ़ेगी, कंफर्ट बढ़ेगा। भूमि रिलेटेड संपत्ति खरीदने का अच्छा समय है। गाड़ी जमीन खरीदने का भी अच्छा समय है। भाग्य प्रबल है। पिता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में काम धंधा से सहयोगियों से लाभ हो सकता है। शत्रुओं से विजय होगी। जीवन साथी से अच्छी तालमेल रहेगी। कुंभ राशि के जातक मंगल तृतीय भाव और कर्मेश होकर पंचम भाव में बैठे हैं। कार्य क्षेत्र में और जवान रहेंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिल सकता है और अपने वाणी में संयम रखें। संतान को अधिक से अधिक परिश्रम करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाजा से देखा जाए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। थकान और वीकनेस रहेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार भी अच्छा समय है। माता पिता और जीवन साथी से नहीं बन सकता है। उपाय, हनुमान भगवान का पूजा करें। मीन राशि के जातक द्वितीय भाव यानी धन भाव और नवम भाव के स्वामी होकर मंगल सुख भाव से गोचर करेंगे। सुख में वृद्धि बढ़ेगी, कंफर्ट बढ़ेगा। चूंकि होगा क्या कि माँ एग्रेसिव हो जाएगी। कार्य क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। स्वास्थ्य में मिला जुला समय रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी सम है। आर्थिक स्थिति भी सम है। जीवन साथी थोड़ी अलग अलग रहने के बावजूद एक दूसरे के भावनाओं को कद्र करेंगे। हनुमान भगवान का पूजा करें। धन्यवाद।